और चलिए खबरों की शुरुआत हम करेंगे। कोटद्वार को सौगात दी गई है। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की कोशिश रंग लाई। कोटद्वार से दिल्ली के लिए नई ट्रेन रवाना की गई है और नई ट्रेन का जो समय है वो जो निर्धारित किया गया है राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने इसकी जानकारी दी है। तो आनंद विहार कोटद्वार एक्सप्रेस नाम से ये ट्रेन चलेगी। कोटद्वार से 9:45 पर ये रवाना होगी और सुबह 4:35 पर दिल्ली पहुंचेगी। तो दिल्ली से कोटद्वार के लिए 3:30 ये रवाना होगी और 10 दिल्ली से कोटद्वार पहुंच जाएगी। तो ये ट्रेन का समय रहने वाला है। एक बड़ी सौगात यहाँ पर लोगों को सांसद की ओर से दी गई है। आपको बता दें उत्तराखंड में सांसद निधि से कितने रुपए खर्च हुए हैं इसको लेकर लगातार चर्चा होती रहती है। और वहीं दूसरी तरफ आज से नई ट्रेन का समय निर्धारित कर दिया गया है। तो राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने ये ट्रेन यहाँ से और इस ट्रेन को लेकर जानकारी जो दी है, आपको जानकारी दे दें, कोटद्वार से 9:45 पर ये ट्रेन रवाना होगी और इसके साथ ही आपको बता दें कि सुबह 4:35 पर ये ट्रेन राजधानी यानी कि दिल्ली पहुंच जाएगी और दिल्ली से कोटद्वार के लिए 3:30 ये ट्रेन यहां से रवाना होगी और रात 10 ये ट्रेन दिल्ली से कोटद्वार पहुंचेगी। तो कोटद्वार को ये सौगात दी गई है और सीधी ये ट्रेन सेवा यहां पर दिल्ली के लिए, जिसकी लोगों को काफी समय से जरूरत भी महसूस हो रही थी। तो जानकारी आपको हम दे रहे हैं, कोटद्वार से दिल्ली के लिए ये नई ट्रेन चलाई गई है और नई ट्रेन का जो समय है उसे निर्धारित कर दिया गया है। उस दौरान की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। तो राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने इसकी जानकारी दी है। तो काफी खास ये ट्रेन रहने वाली है। आपको बता दें एक बार इसका जो समय है वो क्या रहने वाला है। तो आपको जानकारी दे दें कि दिल्ली से कोटद्वार के लिए 3:30 ये ट्रेन रवाना हो जाएगी और रात 10 ये कोटद्वार पहुंच जाएगी। इसी के साथ आनंद विहार कोटद्वार एक्सप्रेस नाम से ये ट्रेन चलेगी, जिसका फायदा सीधा कोटद्वार के रहने वाले लोगों को होने वाला है। सुबह 4:35 पर ये ट्रेन दिल्ली पहुंच जाएगी।